क्या कर रही है? डेट एंड टाइम क्या होता है? रहने दो, कल्याणी का बर्थडे। बार भेजा जा रहा है, मिल गया, गुड जॉब। आज बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है क्योंकि इस फ्राइडे और ऐसे सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। और ये वाला प्रिंट अभी बहुत चला हुआ है। ये वाला ट्राई करके देखे क्या? नहीं, मेरे टाइप का अर्जेंट फॉर माय बर्थडे ड्रेस, बट स्कूल कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है। सब लोग से कटा फटा क्यों है, पहनने लायक कुछ मिल क्यों नहीं रहा है H&M में? बस मेरे को ये पिंक ड्रेस मिला के लिए भी सही रहेगा, बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है, कटा हुआ है, बट आई थिंक इसको पीछे करके पहन सकते हैं। एक जगह नहीं है, सब अलग अलग जगह। H&M में सारे कुछ सेक्सी सेक्सी सुंदर सुंदर सा लग रहा है, बट पहनने लायक नहीं लग रहा एक भी, लाइक दिस ड्रेस यार। ये बहुत सुंदर है लेकिन बुक्स पे आएगा नहीं। डॉट यू जॉय, H&M से बाहर आ चुके हैं, अच्छे मैंने, हम लोग जा रहे हैं पेंटालूस में क्योंकि उनको मिला कोई ढंग का कपड़ा नो। सो मेरे को H&M में बस और बस जूते या बूट ही अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं पेंटालूस या फिर बूट्स फुटवेयर, तो यहाँ पे अपना लक ट्राई करते हैं। इट्स माई बर्थडे एंड आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। ऊपर से नीचे तक पीला है, ये बेचारा अकेला है।
मेला है, वज्र दांतो वाला है, ये पीको का भरोसा है जो ट्रस्टेड आयुर्वेदा है। ओके सरोजनी में हमेशा ग्रेफ्टी लेन और बिक्सी वाले लेन वाली जो गली है मैं उसको हमेशा ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ। उसी वाले गली में, फर्स्ट वाले गली में ये दो दुकान दिख जाएगी जिससे बहुत सुंदर सुंदर समर टॉप्स के थे कलेक्शन, प्लस क्रॉप टॉप्स मेरे को ज़्यादा पसंद आई थी, प्लस दे हैव लाइक पैंट्स ऑप्शन टू, सो बहुत ही मुश्किल से मिलता है वैसे गुड पेयर ऑफ पैंट्स, बट मिल जाएंगे अगर आप खोजोगे। अच्छा लग रहा है, फॉर्मल टाइप लग रहा है, फॉर्मल टाइप लग रहा है, उसके बाद पहन पाएंगे नॉर्मल, पहन सकती हूँ। इसी गली में आगे चल के मेरे को ये स्टॉल दिखा जहाँ पे 150 रुपीस के पैंट्स थे और इसमें खोजने पर ना बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स मिल जाते हैं। मेरी बहन को एक मिला था एंड ये दुकान इस वाले दुकान के सामने थे, मेरे को शॉप नंबर दिखाया नहीं, एंड इसके पीछे में बहुत सुंदर सुंदर समर टॉप्स वगैरह भी अवेलेबल थी।
ऑल्सो मुझे ये ओवर साइज की शर्ट की स्टॉल दिखी, जो इसमें मेरे को बहुत सारे लाइक 3-4 शर्ट पसंद आ गए थे मेरे को, तो मैंने 3 शर्ट लिया। फर्स्ट इज दिस वन, मेरे को ये बहुत पसंद आया। अगर आप सरोजनी मेट्रो वाले गेट से एंटर करते हो तो उसमें जो सीधे वाली जो गली जाती है उसमें दूसरे या तीसरे दुकान पे आपको ये टॉप्स वगैरह मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इनकी जो फिक्स प्राइस थी 350 थी, ये कम नहीं कर रहे थे। जैसे टॉप्स इस दुकान में दिख रहे हैं वैसे सरोजनी के हर दुकान में सिमिलर काइंड ऑफ क्लोथ्स मिल जाएगी, एंड आई होप कि थोड़ा और अच्छा कलेक्शन आए नेक्स्ट मंथ सरोजनी का। नेक्स्ट इज दिस शॉप जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर समर ड्रेसेस मिल रहे थे 200-350 रुपीज़ के आसपास में, एंड ये बिक्सी के साइड वाली दुकान है, लाइक 2-3 दुकान छोड़ करके वहाँ पे मिल रहे थे। देखो सरोजनी की दुकान बंद हो रही है, अब बंद होने वाला दुकान बढ़ने वाला है, दुकान बढ़ने वाला है, यही बोला जाता है लैंग्वेज में, दुकान बढ़ रहा है। चलो ना, लेट हो रहा है अब यार। तो मैंने फाइनली गिव अवे के लिए मतलब ले लिया है गिफ्ट, बट आई होप कि पसंद आया। मैंने शर्ट ज़्यादा लिया, मैंने ऐसे कपड़े लिए जो कि फिट आ जाए, लाइक मेरे को साइज़ मालूम नहीं है कि कौन सा साइज़ होगा नहीं होगा वगैरह, इसलिए नहीं लिया क्योंकि सारे दुकान में सेम टॉप्स ही अवेलेबल थे। अभी नया नया आया ना, समर विंटर हुआ है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा नया कलेक्शन आने में, नया भी नहीं आया जो भी कहते हैं। हाँ, तो सारे दुकान में सेम सेम ही मिल रहे थे, तो मेरे को टॉप लेने का मन किया नहीं, तो मैंने ज़्यादातर शर्ट्स वगैरह यहाँ से लिया है और बेसिक पैंट्स। और यहाँ पे मीशो का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ, जो मीशो पे मिलता है वो सरोजनी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉस्टली है, कुछ मीशो पे कॉस्टली है। नहीं, वैसे देखा जाए तो 19-20 का फ़र्क है, सेम सेम प्राइस है मीशो पे भी, वहाँ मिल जाता है, ये भी है, ठीक है। तुम्हारे बोलने पे क्यों करेंगे पहले ये बताओ। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कैसे? प्लीज कर लो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। जापानी, ये बच्चों की जिस्तानी, सर पे लाल रंग, रुचि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
मुझे हमको।